अदानी कोल खनन परियोजना व एनटीपीसी आवंटन रद्द करने को लेकर प्रभावित गांवों के लोगों ने हाथ में कंपनी के विरोध में लिखी तख्तियां लेकर 25 किलोमीटर पैदल रैली निकाल कर जताया विरोध। बरका गांव अदानी कोल खनन परियोजना व एनटीपीसी सहित अन्य कोल खनन कंपनियों के आवंटन रद्द करने को लेकर कंपनियों के इशारे पर ग्रामीणों पर फर्जी मुकदमे किए जाने के विरोध में विशाल रैली निकालकर ग्रामीण रैयत व किसान अपने ट्रैक्टर में हल सहित हजारों की संख्या में प्रभावित गांव के महिला पुरुष चिलचिलाती धूप में अपने अबोध बच्चों को गोद में लेकर 22 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर अपनी जमीन को बचाने के जद्दोजहद करते हुए अडानी कंपनी वापस जाओ, जल जंगल जमीन हमारी है, लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा, विकास के नाम पर जल जंगल जमीन उजाड़ना बंद करो, पेरिस समझौता का सम्मान करो, खेती हमें खिलाता है, खदान हमें खाता है, किसान भारत की शान है, प्रकृति के साथ बंद करो छेड़छाड़, नहीं तो होगा सत्यानाश, एनटीपीसी वापस जाओ, अडानी कंपनी वापस जाओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, कंपनी के इशारे पर ग्रामीणों पर फर्जी मुकदमे करना बंद करो, गोंदलपुरा के दलालों होश में आओ आदि नारे लगाते हुए बड़का गांव सूर्य मंदिर से मुख्य चौक होते हुए प्रखंड मुख्यालय के समीप हाईस्कूल मैदान पहुंचे और अडानी व एनटीपीसी कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने एवं ग्रामीणों को फर्जी मुकदमे को लेकर प्रखंड विकास सह अंचल पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं हाईस्कूल मैदान में सभा का आयोजन किया गया जिसमें आंदोलन का समर्थन देने बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद, नागरिक अधिकार मंच के संयोजक लखिंद्र ठाकुर, छात्र नेता मनोज कुमार, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के संजय कुमार, आदर्श सेवा संगठन के अध्यक्ष गौतम कुमार, कर्णपुरा बचाओ संघर्ष समिति के डॉक्टर मिथिलेश कुमार दांगी सहित दर्जनों लोगों ने सभा को संबोधित किया और अपना समर्थन जताया। बड़का गांव से राजेश कुमार की रिपोर्ट। अडानी है कैंसर और कैंसर के भांति किसानों के जो जमीन हड़पने पर लग गई उसको यहाँ के किसान यहाँ के मजदूर से कोई मतलब नहीं, उसको पैसा से मतलब है। वो चाहता है कि जिस तरह से ड्रग्स का कारोबार करके अरबों रुपये का संपत्ति बना लिए पूरा देश में, उसी प्रकार यहाँ के किसान के जमीन, यहाँ के मजदूर के जमीन, यहाँ के आदिवासी के जमीन को हड़प करके अरबपति बने। आज जो भीड़ देख रहे हैं, यह भीड़ से आपको अनुमान लग गया होगा अंबानी जो है यहाँ का एक इंच जमीन नहीं ले सकती है। अभी तो 10,000 लोग पहुँचे हैं, अगर 10,000 लाठी जिस दिन निकलेगी ना उस दिन अडानी का एक भी बाल का माथा का एक भी बाल नहीं बचेगा। आंदोलन को आप समर्थन करते हैं? जी 100% समर्थन करते हैं। हम ही नहीं, पूरा हजारीबाग जिला के जितने नौजवान हैं, ये यहाँ के जंगल और जमीन को बचाने के लिए हम लोग अगर कुर्बानी देना पड़े उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। जी मेरा नाम गौतम कुमार, केंद्रीय अध्यक्ष आदर्श युवा संगठन सह बरकट्ठा विधानसभा भाई प्रताप सिंह। एनटीपीसी, अडानी और बहुत सारे कंपनियों का गिद्ध दृष्टि लगा हुआ है बड़का गांव प्रखंड में और खेती जो की जो जमीन है उसको जबरदस्ती छीना जा रहा है, लिया जा रहा है। और यहां पर बात इतने ही में समाप्त होता तो ये नहीं है, यहां पर पुलिस प्रशासन को आगे करके कंपनी और पुलिस को आगे करके अगर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट होता है जनता के द्वारा, किसानों के द्वारा, तो उसको उसके आंदोलन को कुचलने के लिए उस पर झूठे मुकदमे किए जाते हैं और बहुत तरह सैकड़ों मुकदमे हुए हैं निरीह जनता के ऊपर। तो इसके खिलाफ में हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं और आज बड़का गांव प्रखंड अधिकारी, अंचल अधिकारी और यहां पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग राज्यपाल तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएंगे कि यहाँ के किसान अपना खेती से खुश है, जमीन हम लोग देना नहीं चाहते, इसी के लिए आज हम लोग रैली किए। आपका परिचय? मेरा नाम लखिंद्र ठाकुर, नागरिक अधिकार मंच का संयोजक हूँ बड़का गांव। सर, बड़का गांव गोंदलपुरा के लोगों ने अपने जमीन बचाने के लिए कई जिद्दोजहद कर रहे हैं, आज 25 किलोमीटर पैदल यात्रा कर ब्लॉक का घेराव करने आए हैं और उस घेराव में आप भी समर्थन में हैं, आप भी हजारीबाग से चल के समर्थन करने आए, क्या कुछ कहेंगे? हमारा कहना ये है कि मेरी जमीन है,
और जमीन को जो है जबरदस्ती आप छीनने कैसे आए? पूरे भारत में आपको जमीन नहीं मिला, आप जबरदस्ती मेरा जमीन लेने के लिए आए हैं। मेरा जमीन में हमारा जमीन से मेरा अपना माँ का रिश्ता है, हम अपने रिश्ते को खत्म नहीं कर सके। अगर यदि हम लोग जमीन दे देते हैं तो कल रह करके हम लोग विस्थापित यदि हो जाएंगे तो हम अपने ही राज्य में मेरा नियोजन नीति में मेरा नाम चला जाएगा। कहाँ से मेरा नाम जोड़ेंगे, कहाँ कहाँ मैं एड्रेस देंगे, किस जगह से हम लोग को बैठा करके रखिएगा? हम इतना ही जानते हैं जमीन हमारी है और जमीन हमारी लेने के पहले ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। अब ग्राम सभा जब बोल रही है कि हम जमीन नहीं देंगे तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? सर एक बहुत सुंदर वाक्य आप बता रहे थे यहाँ खंभा गाड़ने की बात, क्या कुछ बोल रहे थे? अरे हम तो माननीय विधायक जी को बोल रहे थे, हे अम्बा जी अगर यहाँ से नगदानी का खंभा गलाया तो आपका खंभा उखाड़ देंगे, अगर यदि यहाँ पर अडानी का खंभा गड़ाया तो अंबाजी का खंभा निकल जाएगा। सर मैं बता रहा हूँ वाक्य से क्या स्पष्ट करना चाहते हैं, ये कि यहाँ पर आपको यहाँ पर विधायक नहीं रहने देंगे, आप प्रतिनिधि हैं। आप अगर यदि यहाँ के लोगों का भाषा को नहीं समझिएगा, यहाँ के दर्द को नहीं समझिएगा, आप 20 किलोमीटर चल करके बाल बच्चा को खोख में लेकर के आया है, रोते धोते आया है, इतना गर्मी है और 25 किलोमीटर चल के आया है, आपको दर्द समझ में नहीं आता? अगर यदि आप प्रतिनिधि हैं, आप जो है बात जाकर के सरकार से बात कीजिए, मुख्यमंत्री से बात कीजिए, जरूरत पड़े तो आप प्रधानमंत्री से बात करिए, लेकिन यहाँ का गोंडलपुरा का माँ बहन भाई आपका है, आपको वोट करता है, तो आपके वोट का जो है आप जो चोट देने का काम नहीं करिए, आप इन लोगों का जमीन बचाने का काम कीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि उनको भी जो है गोंडलपुरा के लोगों के साथ में 25 किलोमीटर पैदल तो चलकर उनको भी आना चाहिए, क्योंकि मैं भी चल करके आया हूँ और मैं राजधनवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम छात्र नेता मनोज यादव।